Hey kids, welcome to my English class. Today I am introducing a grammar gear, a new book to your English. A grammar gear. Grammar, आपको पता है English grammar होती है. तो अपने पास 3 books है जो मैंने पहले दो part कर लिए. उसमें थी एक तो workbook, एक थी course book. अब ये है grammar. So grammar बहुत ही important part होता है English का. अगर आपको grammar अच्छे से आ गई, मतलब आप समझ लो कि आप English spoken कर सकते हो. ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इसलिए फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से समझे जो भी मैं कह रही हूँ. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का. और ये ग्रामर गियर बहुत ही अच्छी बुक है. अगर आप इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में. इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. कोई भी चीज़ बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन की हुई है. और मैं भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का. सो हियर वी गोना स्टार्ट. द फर्स्ट चैप्टर इज नाउन्स. सो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लास आपको पढ़ा दिया था नाउन. नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है ये आपको मुझे बताना है कि क्या होता है नाउन. अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, कोई भी चीज़ का नाम जो होता है उसको बोलते हैं नाउन. नेम ऑफ संज्ञा, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा. किसी भी इंसान, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पशु, पक्षी, किसी का भी नाम होता है उसको बोलते हैं नाउन. नाउन मीन्स संज्ञा. अब नाउन में अपने यहाँ पे है ना, अब नाउन अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया, ठीक है ना. अब यहाँ पे सेकेंड क्लास में आपको क्या है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. मतलब दो तरीके के नाउन होते हैं. नाउन के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमन है, प्रॉपर है, मस्कुलर है, फीमेलर है, और सिंगुलर है, प्लूरल है. बहुत सारे नाउन्स होते हैं, बट काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है. बट जो फर्स्ट जो है हमें अंडरस्टैंड करना है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो, कॉमन नाउन मीन्स किसी भी इंसान का कोई कॉमन नाम. जैसे आप अपने पापा को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, आपके फादर है, तो फादर क्या हो गया, कॉमन नाउन. बट आपके पापा का क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पापा का नाम है अशोक लाल, अशोक लाल हो गया प्रॉपर नाउन. लेकिन फादर जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि फादर तो और किसी के होते हैं, तो फादर कॉमन नाउन है. बट आप अपने फादर को कैसे पहचानोगे, उनके नाम से. अगर आपके पापा का नाम अशोक है तो आप उसको पहचानोगे कि हाँ भाई अशोक लाल मेरे फादर है. लेकिन आपको कोई ये बोलेगा मंगी लाल आपके फादर है, लेकिन आप उसको नहीं पहचानोगे क्योंकि वो आपके फादर नहीं है. तो आप अपने फादर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉपर नाउन से. कॉमन नाउन तो ये है कि आपके फादर, फादर है कॉमन नाउन, फादर हर किसी को होते हैं. बट आप अपने फादर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके प्रॉपर नाउन से. मतलब उनका प्रॉपर नाम होता है आपकी, जैसे आपकी मदर, मदर तो हो गया कॉमन नाउन, मदर हर किसी की होती है तो मदर. बट आप अपनी मदर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनका भी कोई नाम होगा. जैसे सरिता, आपकी मदर का नाम है फॉर एग्जाम्पल सरिता, तो सरिता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कि आपकी मदर का नाम है अंकिता, तो आप क्या उनको मदर बुला सकोगे, नहीं ना. तो मदर मतलब मम्मी, और मम्मी आपकी, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके नाम से. तो वो जो उनका नाम है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. अब देखो यहाँ पे जो कन्वर्जेशन हुई है, पुलिसमैन मतलब जो कॉप होता है, पुलिस कॉप, और ये बच्चे के बीच में. अब पुलिसमैन स्टॉप्स अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल, रीड द डायलॉग्स बिटवीन देम. जो पुलिसमैन है मतलब जो अंकल है, उन्होंने बॉय को, लड़के को स्टॉप किया है साइकिल चलाते हुए. अब उनके बीच में जो डायलॉग्स है वो आप ध्यान से पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है. स्टॉप, हु आर यू. जो पुलिसमैन है अंकल, वो उससे पूछते हैं स्टॉप, रुक जाओ, कौन हो तुम. आई एम अ बॉय. वो लड़का क्या बोलता है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं. डू यू हैव अ नेम. वो अब पुलिस अंकल क्या पूछते हैं, डू यू हैव अ नेम, क्या तुम्हारा कोई नाम है. ओ माय नेम इज किशोर. ओ अच्छा, मेरा नाम है किशोर. अब आपने एक चीज नोटिस की, इन्होंने अंकल ने क्या पूछा, हु आर यू, आई एम अ बॉय. इसने बोला मैं बॉय हूँ. बट अंकल ने क्या पूछा कि भाई तुम्हारा कोई नाम तो होगा ना,
जैसे हर कोई बॉय गर्ल, लेकिन हर किसी का हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनके नाम से। तो वो जो नाम जो होता है वो प्रॉपर नाम होता है। अब इसने क्या बोला, आई एम अ बॉय, तो उसने बोला मैं लड़का हूँ, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। बट उस पुलिस अंकल ने क्या पूछा कि आपका कोई नाम है, तो उसने क्या बोला, यस माय नेम इज किशोर, तो किशोर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बॉय तो हो गया कॉमन नाउन, बट उसका नाम क्या है, किशोर, तो किशोर हो गया प्रॉपर नाउन। हु कॉल्स यू दैट, आपको आपको आपके नाम से कौन बुलाता है, आपको भी किशोर कहके कौन बुलाता है? तो वो लड़का क्या बोलता है, माय पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स, अब पुलिस अंकल क्या पूछते हैं कि भैया आपके माता पिता का नाम क्या है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये बोलता है माय पेरेंट्स, तो माय पेरेंट्स तो होगा कॉमन नाउन, क्योंकि पेरेंट्स तो हर किसी के होते हैं। जो कॉमन चीज़ होती है, मतलब जो सामान्य चीज़, जो जनरल चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं कॉमन, तो पेरेंट्स तो हर किसी के होते हैं, तो पेरेंट्स हो गया कॉमन नाउन। अब माय फादर्स, अब वो लड़का क्या बोलता है, माय फादर्स नेम इज़ अशोक एंड माय मदर्स नेम इज़ अनु, मतलब मेरे पापा का नाम तो अशोक है और मेरी मम्मी का नाम है अनु। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन तो है फादर, और प्रॉपर नाउन उसके पापा का कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो, अशोक, तो अशोक क्या हो गया प्रॉपर नाउन। माय मदर्स नेम इज अनु, मदर क्या है, मम्मी, और मम्मी को वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसका नाम क्या है, अनु, तो मदर हो गया कॉमन और अनु हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। सो टर्न द नेक्स्ट पेज, वेयर डू यू लिव, ये पूछते हैं पुलिस अंकल कि भाई तुम कहाँ रहते हो। तो वो लड़का देखो क्या बोलता है, इन माई हाउस इन अ वेल नोन सिटी, मतलब मैं अपने, वो अंकल उससे पूछते भाई कि तुम कहाँ रहते हो, तो लड़का बोलता है कि इन माई हाउस, मतलब मैं अपने घर में रहता हूँ, और एक बहुत ही मतलब जानी मानी सिटी में, यानी बहुत ही पहचानी जगह में, मतलब सिटी यानी शहर में रहता हूँ। ओ इज दैट सो, विच वेल नोन सिटी डू यू लिव इन, अब पूछते हैं ओ अच्छा ये बात है, तो कौन सी जानी मानी शहर में तुम रहते हो। वो पुलिस अंकल क्या पूछते, अच्छा तो तुम घर में रहते हो, सिटी में रहते हो, पर कौन सी सिटी में रहते हो। इट्स आगरा, अब वो क्या बोलता है, आगरा में रहता हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट देयर, द ताजमहल, आई हैव कम टू द सिटी टू विजिट माई आंट, मतलब वो क्या बोलते हैं, मैं तो आगरा में रहता हूँ। Have you heard of the famous monument here, the Taj Mahal? अच्छा monument means क्या होता है कि कोई भी जो जगह होती है, कोई भी हम स्कल्प जो स्थापित करते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब क्या होते हैं, monuments होते हैं, तो है ना उसको बोलते हैं monuments। तो आपको पता है ताजमहल आप सबने देखा होगा, आगरा में है, अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छी जगह है, आप जाके एक बार देखिए, ताजमहल है। वो लड़का क्या बोलते है, मैं आगरा में रहता हूँ, आपने क्या नाम सुना है ताजमहल का, आई हैव कम टू दिस सिटी टू विजिट माई आंट, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, टू विजिट माई आंट, आंट मतलब उसकी चाची हो सकती है, मासी, बुआ, कोई भी हो सकती है, आंटी से मिलने के लिए सिटी में आया हूँ। ओ यस यू मे गो नाउ, पुलिसमैन अंकल क्या बोलते हैं, यस यू मे गो नाउ, मतलब तुम जा सकते हो। थैंक यू अंकल कॉप, अब ये क्या बोलते हैं लड़का, थैंक यू अंकल कॉप, मतलब धन्यवाद आपका अंकल कॉप, पुलिस ऑफिसर को कॉप भी बोल सकते हैं, आपको पता होगा। अंकल कॉप नाउ हु इज दैट, अब वो पुलिसमैन जो होता है उसको समझ में नहीं आता, तो वो क्या बोलता है, अंकल कॉप ये कौन है अंकल कॉप, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, अंकल कॉप कह के, मतलब उसको उसका नाम तो नहीं पता लड़के को कि भाई क्या नाम है, लेकिन वो उसको क्या बोल रहा है, अंकल कॉप मतलब पुलिस अंकल ही होता है, कॉप को जो पुलिस होती है उनको कॉप भी कहा जाता है, कॉप्स। What specific information does the policeman seek from the boy? Why is he not satisfied with the boy's reply? अब इसमें क्या कह रहा है कि जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना पुलिसमैन जानना चाहता था
और वो है ना बॉय मतलब लड़के के रिप्लाई से यानी लड़के के जवाब से क्यों सेटिस्फाइड नहीं था, क्यों संतुष्ट नहीं था, क्योंकि लड़का है पहले तो कॉमन ना मतलब वो प्रॉपर बता नहीं रहा था कि भाई कहाँ से है, उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है। लेकिन है ना इसलिए जो अंकल कॉप थे मतलब जो पुलिसमैन थे वो उसके रिप्लाई से उत्तर से सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो किस में आंसर दे रहा था, कॉमन नाउन में। लेकिन अंकल कॉप यानी जो पुलिसमैन था वो क्या जानना चाहता था, प्रॉपर नाउन जानना चाहता था कि वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। देर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मैंने आपको पहले ही बोला था कॉमन नाउन आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स इन जनरल। जनरल मतलब सामान्य तरीके से, सामान्य रीत में जो पर्सन्स मतलब फादर, मदर, डॉक्टर, सिस्टर, टीचर, ब्रदर, ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन। प्लेस, प्लेस मीन्स पार्क, गार्डन, सिटी, विलेज, ये सब प्लेसेस हो गए, ठीक है ना, हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, ये सब प्लेसेस हो गए, तो ये भी कॉमन नाउन हो गए। एनिमल्स, एनिमल्स कैट, डॉग, क्रो, कैट डॉग, काऊ, मंकी, ये सब एनिमल्स हो गए। बर्ड्स, क्रो, ईगल, आउल, ये सब बर्ड्स हो गए। और थिंग्स इन जनरल जैसे बुक, इरेजर, पेंसिल, ये सब थिंग्स इन जनरल मतलब जो डेली यूज में हमने यूज करते हैं चीज़ें। जनरल मीन्स सामान्य। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेसेस। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बहुत मेन वर्ड है इसमें। पर्टिकुलर मीन्स निश्चित कोई पर्सन यानी निश्चित व्यक्ति या जगह का नाम, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंने बोला पर्सन में फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, बट फादर का नाम क्या, अशोक, मदर का अंजू, ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। ब्रदर का नाम है साहिल, सिस्टर का नाम है सरिता।